जो फॉर्म 45 बंद कमरों के अंदर बनाए जा रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मंजूर नहीं है। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल कर जो तब्दीली फॉर्म 45 में की जा रही है उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा और जो लोग ये तब्दीली कर रहे हैं वो जवाब भी देना पड़ेगा। अब मुसद्दिक मलिक साहब, उसके बाद मैं आपको मजीद तफसील बताऊंगी। मुसद्दिक मलिक साहब, आपको पोलिंग वाइज जिन जिन जगहों के ऊपर राना सनाउल्ला, सरदार याज सादिक, परवेज मलिक, दानियाल चौधरी, अवैस लगारी साहब, डीजी खान के तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं और सूबाई असेंबली के पोलिंग स्टेशन और फॉर्म्स को भी विदहोल्ड किया जा रहा है, रिजल्ट्स को वो विदहोल्ड किया जा रहा है और सिर्फ जवाब ये चाहिए कि कुंडियां लगाकर पोलिंग एजेंट्स को बाहर रखकर फॉर्म 45 में क्या तब्दीली की जा रही है इसका जवाब इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चाहिए। और अगर ये कार्रवाई जारी रही, अगर इस तरह की कार्रवाई जारी रही तो वो तमाम लोग जो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम को अभी तक हमने अमन का पैगाम दिया हुआ है कि किसी किस्म का कोई रिएक्शन शो ना करें, लेकिन अगर ये कार्रवाई जारी रही तो मैं ये वाजिया तौर पे बताना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन का कि इसके बाद हर तरह की कार्रवाई का इलेक्शन कमीशन खुद जिम्मेवार होगा।